और जनता पुकार करे और मिल के गुहार करे कि जनता पुकार करे और मिल के गुहार करे कि कोई सनी बाटे सरकार हो कि जिलावा में बंदी बाड़े मनीष कश्यप भैया रोवत बाटे यूपिया बिहार हो कि जिलावा में बंदी बाड़े हमारे मनीष कश्यप भैया रोवत बाटे यूपिया बिहार हो हाथावा में माइक लेके अरे हई गले में गमछिया सच तक आवाज हौवे अरे साचन करबतिया भ्रष्टाचारी ने तमन पे अरे करे ले रिलाई हो लोग कहे भैया के सन अफ बिहार हो कि जिलावा में बंदी बाड़े हमारे मनीष कश्यप भैया रोवत बाटे यूपिया बिहार हो। क्या बात है, क्या बात है। आपने गाना सुना, आपको जरूर अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे साथ ये वो शख्स है जो स्वस्थ तक न्यूज पर सबसे ज़्यादा वायरल हुए हैं। जो अभी आपने गाना सुना, ये गाना आप लोगों ने स्वस्थ तक न्यूज पर जरूर सुना होगा, क्योंकि मनीष कश्यप के लिए जो ये भावुक होकर गाना गा रहे हैं, काफ़ी लाजवाब गाना है। और अभी भी भाई का चेहरा जो है भावुक बना है, आप क्या इतना उदास क्यों हैं? देखिए, उदास होने का मकसद मेरा यही है कि मनीष भैया माने जिसके लिए माने सब चीज़ करते थे जी, मतलब यूपी बिहार के जो भी गरीब दुखिया लोग बा जी, मतलब ओकरा खातिर का ना माने जहाँ तक बन जात रहे तहाँ तक करत रहन। एजा तक रुआ पता है कि बेतिया स्टेशन पर एगो नामी चर्चित एगो भिखारी बड़न, डिजिटल भिखारी, उनकरा के भी 5-6 रुपया ठंडा के दिन में 5-6 रुपया और मतलब एगो अथी कम्बल दिले रहन जी, तो समझ सकता नहीं। वैसन लोग के जब सरकार बंद कर दिलस तो आखिर पूरा यूपी बिहार रोई ना तो का करी जी, आखिर कौन गलती कर दिले रहन, का कर दिले रहन जी। अब आप देख सकते हैं, पहले ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? कैमूर जिला से। कैमूर जिला से भाई हमारे, कैमूर जिला से आए क्या करने के लिए? भैया से मिलने के लिए। मैं सोचा था आज, मतलब देखा था कुछ दिन पहले कि जितने भी मीडिया लोग हैं सब लोग मैंने ये लगा रहे थे, अपने चैनल पर डाल रहे थे कि मनीष भैया 26 तारीख को आ रहे हैं, कुछ मैंने कुछ काम को लेकर पेशी उसी शायद था ऐसा जी। तो मतलब मुझे लगा कि भैया से भेंट हो जाएगी, लेकिन जब बेतिया पहुँचे तो पता चला कि कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया, इसीलिए आप आज उदास हैं, आपका सपना नहीं पूरा हो पाया आज मिलने का। यही बात है, आज मिलने के लिए आए थे ना आप? मिलने के लिए आए थे। मिल पाए हैं? अभी नहीं मिल पाए, इसलिए आपका चेहरा उतरा हुआ है। देख सकते हैं भाई बोल ही नहीं पा रहे हैं, कहे नहीं बोल रहे हैं मत उदास। ये देख सकते हैं भाई कैमूर जिला से मनीष कश्यप के लिए मिलने के लिए आए, लेकिन मिल नहीं पाए और आज भाई स्टेशन पर बैठकर उदास थे कि अब कहाँ जाए, कहाँ ना जाए, क्या वापस घर जाना सही रहेगा या यहीं पर आकर मनीष कश्यप का इंतज़ार किया जाए कि मनीष कश्यप आएंगे तो उनका दर्शन होगा और मिल पाएंगे, लेकिन उनका दर्शन संभव नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। और भाई कैमूर जिला से आए हुए हैं, उतना दूर से आने के बावजूद बेतिया में आए, क्योंकि ये सूचना मिला था और कोर्ट का भी आदेश था कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द जो है बेतिया कोर्ट में हाजिर किया जाए, क्योंकि बेतिया कोर्ट में जो उनका मामला था, सुनाई था, उस पर उनकी पेशी थी, लेकिन तमिलनाडु से ना वो आए, ना बिहार में आए और ना ही बेतिया कोर्ट में उनकी पेशी हो पाई है। और आज भाई स्टेशन पर बैठकर उदास जो है वो बैठे हुए हैं, सही बात है जी। ये बताइए आप क्या काम करते हैं? सिंगिंग करते हैं। सिंगिंग करते हैं और इसके अलावा पढ़ाई भी करते हैं। पहले ये बताइए खाना वाना खाए कि नहीं सुबह से? खाए हैं। खाना खाया है? पानी वानी की बोतल है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। घर कैसे जाइएगा आप? घर या यहीं रुकिएगा? यहीं आज रुकना पड़ेगा। आज यहीं रुक जाइएगा जी, घर नहीं जा पाइएगा, क्या है?
अब ट्रेन ही नहीं है तो फिर रुकना तो ट्रेन ही नहीं है यहाँ पे सफा जी बताइए। अब देख लीजिए भाई को जाने के लिए ट्रेन ही नहीं है कि वापस कैसे जाए। लेकिन सवाल यह होता है कि आखिर में जिस प्रकार से मनीष कश्यप को लेकर जो है तहकीकात बढ़ती जा रही है और एक ही रवैया को दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है, दो रवैया अपनाया जाता है, एक आम पब्लिक के साथ और एक मनीष कश्यप के साथ, ये सोचने वाली बात है। और भाई यहाँ पे आए हुए हैं मनीष कश्यप के लिए और आके जो है यहाँ पे उदास बैठे हैं। और इनसे मैंने बात किया तो पता चला कि ये सिंगर है और ये भी पता चला कि सच तक न्यूज पर इनका गाना जो है सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। सच तक न्यूज पर कौन सा गाना वायरल हुआ था? वही है, यही वाला जी। और इसके अलावा एक और मैंने आपका गाना देखा था जो काफी अच्छा जो है वो चल रहा है मार्केट में, थोड़ा सा वो सुनाइए गाना। अरे गरीबों की आवाज वो कि गरीबों की आवाज वो उठाई लिहल जब से हो गई ले जेल भैया मनीष कश्यप के हो गई ले जेल भैया कि सच्चाई के बात कइल इहाँ बेकार बा कि सच्चाई के बात कइल इहाँ बेकार बा कि इहे बिहार यौरी बिहार सरकार बा आई है बिहार यौरी बिहार सरकार बा। अरे मिलजुल के साजिश भइल कि बिहार सरकार से हो गइल जेल भैया मनीष कश्यप के हो गइल जेल भैया। अब आप देख सकते हैं ये वही गाना है जो सस्तक न्यूज पर अभी वर्तमान समय में जो है सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन भाई हम आपसे बात करना चाहेंगे, वो कौन सा ऐसा प्यार है जो आपको उतना दूर से जो है यहाँ बेतिया बुला लिया? देखिए प्यार का जहाँ तक बात कर रहे हैं भैया का हर जगह, एक मैं ही नहीं मतलब यूपी बिहार के जितने भी गरीब दुखिया लोग हैं, एक तरफ से बोला जाता था कि भैया सबका मसीहा थे, सबको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे। जिसके घर में बच्चों का पढ़ाई लिखाई का किताब कॉपी का साधन नहीं था उसको मतलब साधन उपलब्ध करवाते थे। जिसके घर में मतलब दिया बत्ती नहीं पड़ता था उसको मतलब सारा व्यवस्था उपलब्ध कराते थे। बताइए मतलब ऐसा कौन सा काम कर दिए? क्या भैया किसी का रेप थोड़ी ना किए थे, किसी का मर्डर थोड़ी ना किए थे? कोई मतलब ऐसा क्या वो कर दिए? और जो लोग बोल रहा है कि तेजस्वी जी को बोल दिए थे कि तुम्हारा हम 180 दिन में सरकार गिरा दे, तो उनको कौन क्या नहीं बोल रहा है? पूरी पब्लिक गाली दे रही किसको किसको मैंने ये काम करवा दिए, तो बहुत गलत हुआ जो भी सरकार किया उनके लिए। अभी जो आज उनकी हियरिंग होने वाली थी उनको लेके आना चाहिए था कि नहीं सुनाई के लिए? एकदम आना चाहिए था। अभी वही यहाँ पर लोग मतलब बता रहे हैं कि 600 मतलब पुलिस को जो है सुरक्षाकर्मी के रूप में लगाने के लिए था। ये बताइए हमारे देश में क्या पुलिसकर्मी नहीं है जी? हैं 600 लोग नहीं हैं जी? हैं और वो 600 पुलिस भी नहीं व्यवस्था नहीं हो पाया, तो यहाँ पर षड्यंत्र था नहीं आने के लिए। क्योंकि लोग जानता है कि जिस दिन बेतिया में भैया हमारे चले आए तो समझिए कि हंगामा पक्का लिखा हुआ है। वो 600 पुलिसकर्मी क्या करेगा? लोग इतना पब्लिक है जी। इतना पब्लिक है कि वो बहुत बहुत हद तक होता, इसीलिए लोग सोच करके नहीं बुलाया जी। तो क्या लग रहा है जिस प्रकार से मनीष कश्यप को तमिलनाडु में ही रखा जा रहा है, बिहार नहीं लाया जा रहा है, और आज पेशी होने वाली थी, अगर मान लीजिए पेशी होती तो क्या बेतिया से उनको रिहाई मिलता कि नहीं? देखिए इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है कि भैया न पहले गलत किए थे, न है न रहेंगे। उनको पूरी तरह से फंसाया गया जी, समझ गए ना, उनको पूरी तरह से फंसाया गया। एक बात बताइए, जिस वीडियो के चलते भैया को अरेस्ट किया गया था, तमिलनाडु वाला वीडियो, लोग बोल रहा था कि मतलब फर्जी बनाए थे, फर्जी वीडियो, मैंने फर्जी मतलब क्या, मैंने फर्जी का मतलब यही ना होता कि मैंने गलत किया, तो केवल मैं ही गलत किया था। मैं मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि केवल मनीष ही भैया उस वीडियो को चलाए थे और कोई मीडिया पत्रकार नहीं चलाया था उसके ऊपर भी तो मतलब कार्रवाई होनी चाहिए था, ताकि इन्हीं पर क्यों ऐसा होगा? एनएस धारा लगा दिए, मैंने एनएस धारा मतलब होता है देशद्रोह, मैंने देश के लिए वो कौन सा ऐसा काम किया भाई? यही ना कि जो मतलब नेता के विपक्ष होकर के उनके कारनामाओं को दिखाते थे जी जी। हाँ तो क्या एनएस लगना सही है या गलत? एकदम गलत है, 100 में 101% गलत है।
एनएसए हटना चाहिए कि नहीं? एकदम हटना चाहिए। और मनीष कश्यप की रिहाई होनी चाहिए? जिस पर एनएसए लगना चाहिए उस पर तो लगा ही नहीं है जी, जिस पर लगना चाहिए उस पर तो लगा ही नहीं है। तो फिर मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों लग गया? तो वही चीज बोल रहे हैं ना। देखिए मैं बता देता हूँ भैया, शेर के रौरा कतनो दिन से पिंजरा में रखब ना, शेर कतनो बूढ़ा जाए, लोग सोचा था कि मैंने इनका जेल में रख के कुछ और मैंने कुछ दबाव दे करके दिमाग के मैंने टेंशन में डाल करके कुछ प्रेशर दे करके उनको ये कर दिया जाएगा, तो शेर कतनो बूढ़ाई ना भैया तो शेर रही, आ शेर कतनो भूखाई तो घास ना खाई, खाई तो मांसे खाई जी, समझ गए ना जी। और मनीष कश्यप क्या है बिहार के लिए, क्या है जी? ये जितनी पब्लिक है उनसे पूछिए ना कि क्या है जी, जितनी पब्लिक लोग देख रहे हैं उनसे पूछिए। ऐसे ही लोग बोलता है कि बिहार का बेटा है सोना बिहार, कुछ लोग मीडिया वाले बोलते हैं कि आप अपने से नाम रख लीजिए सोना बिहार का, नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, आपको कौन पहचानता है, आप ही मीडिया पत्रकार है, कौन आपको पहचानता है, और उसको पूरा एकदम पूरा भारत वर्ल्ड पहचान रहा है जी, तो मतलब कोई नेता तो थोड़ी ना है कि पैसा देकर। मनीष कश्यप को क्या कहना चाहिए आप? देखिए हमारे हिसाब से यही है कि भैया को ऊपर बहुत गलत हुआ, बहुत लोग गलत किया उनके साथ, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब देखिए एक बात और है कि सत्य जो होता है भैया परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता है, एकदम क्लियर वो निकलेंगे ही निकलेंगे, आज निकले कल निकले परसों निकलेंगे वो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो देख सकते हैं हमारे साथ नीतीश मिश्रा है जो काफ़ी दूर से आए हैं और काफ़ी अच्छा बोलते भी है और काफ़ी अच्छा गाना भी गाते हैं। मैं चाहूँगा चलते चलते एक और सुमधुर संगीत हो जाए दर्शकों के लिए। भैया खाती एक सीएम बनावे खाती गीत हम प्रस्तुत करम, सीएम बनाने के लिए भी जी, सीएम बनावे खाती देश के खातिर आवाज उठैले हो, कानून के हाथ में अइले हो, देश के खातिर आवाज उठैले हो, कानून के हाथ में अइले हो, अरे जंगल राज आइल बाटे, अरे हटावे के परी जंगल राज आइल बाटे, अरे मिटावे के परी मनीष भैया के सीएम बनावे के परी, मनीष भैया के सीएम बनावे के परी। क्या बात है, देख सकते हैं भाई का गाना जो है कितना अच्छा है। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइए और हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।